कि ये जो इंडो इजराइल कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है वो किस तरह का फेस्टिवल है, थोड़ा सा बताइए। Yes, sure. She will start. Actually, it's been a pleasure to be a part of this. इन लोगों के एक अच्छे विचार से एक हमने decide किया कि हम Indian culture को Israel में promote करेंगे and we will promote art and culture, not only that, but also tourism. So I think it's a 360 degree coverage of Indian community there in Israel who are staying there. Because क्या होता है कि Indians जब India से बाहर जाते हैं तो अपने art और culture से इतना touch में नहीं रह पाते हैं, which is why these gentlemen came up with this thought of merging the two countries together and creating one platform wherein jahan pe sari Indian community ek saath aake celebrate kar sake, which is why we are going to celebrate Indian culture there for 3 days, and those 3 days are going to be the most memorable one because ye Israel mein pehli baar aisa kuch hone wala hai jo ki itne mega level pe hum karne ja rahe hain, and I'm very excited to be a part of this. To wahan ki government se kitna support mila hai aap logo ko? मेरे ख्याल से वहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है, विच इज़ वाई ये आज पॉसिबल हो पा रहा है। यूनिवर्सल इवेंट और हमारे जो चैतन्य जी हैं, इनकी जो कंपनी है रिसर्च मीडिया ग्लोबल इवेंट्स, ग्लोबल इज द पर्सन बेसिकली हैज डन ऑलरेडी सो मेनी इवेंट्स देयर इन इजराइल एज वेल एज अदर कंट्रीज आल्सो, सो ऑलरेडी ही अप्रोच द गवर्नमेंट, इजराइल गवर्नमेंट आल्सो, सो दे आर रियली सपोर्टिंग एंड फ्यू मिनिस्टर्स द गवर्नमेंट आल्सो आर गोइंग टू ब्लेस द इवेंट। तो बॉलीवुड से और मतलब और कौन कौन जुड़ने वाला है और कौन से इंडस्ट्री, क्या यहाँ के पॉलिटिशियन भी वहाँ पे हिस्सा लेने वाला है या फिर ऐसा कुछ होने वाला है? वी आर अप्रोचिंग, ओके, वी आर गोइंग टू मीट फ्यू मिनिस्टर्स, मेनली मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, ओके, एज वेल एज डेफिनेटली एम्बेसी फ्रॉम इजराइल, हूएवर इज देयर फ्रॉम आवर इंडिया, डेफिनेटली दे विल अटेंड। राइट, वी हैव सो मेनी फेस्टिवल्स, सो any particular festival you we are exploring? Yeah, see, one thing very clearly would like to tell you, Israel basically working kind of nature, whoever coming like whoever residing from India, mainly they were going for only work basis only, okay, they were busy with their schedules, yeah, with hectic work and other things and all, correct, so really they need a kind of entertainment as well as the new generation should know what exactly our culture and all, okay, so just to promote all these things, global events in association with Research Media Group we have initiated, and we are doing this program for continuous 3 days. अंबेशी, आप बहुत कम जुड़ते हो किसी भी फेस्टिवल या फिर कॉज के साथ, इसके साथ जुड़ने का क्या रीजन? बहुत ही कोइंसिडेंटली ये चीज़ हुई कि आई वाज लुकिंग फॉर अप्रोचिंग इज़राइल टूरिज्म ऑलरेडी, बिकॉज व्हेन यू स्क्रॉल यूट्यूब यू आर सीइंग कि इज़राइल जो है वो टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। आई बीन प्रमोटिंग थाईलैंड, आई बीन प्रमोटिंग अदर कंट्रीज अभी जब तक मैं ट्रैवल कर रही थी, सो आई वॉज थिंकिंग एंड प्लानिंग टू अप्रोच दैम, एंड आगे से मेरे पास कौशिक जी का मेरे पास फ़ोन आया, इनके साथ में आने वाले टाइम में मूवी करने जा रही हूँ, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि अंबेशी वी आर प्लानिंग दिस ह्यूज ग्रैंड इवेंट, वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस? तो मैंने कहा Why not? Actually, this is what I wanted to do. क्योंकि इसमें ना सिर्फ हम आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने जा रहे हैं बल्कि हम साथ ही साथ टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं. One of the reasons I did it. And जब मैं एक्ट्रेस नहीं बनी थी, इसके पहले से ही आई वॉज होस्टिंग एंड डूइंग सच कल्चरल इवेंट्स फॉर साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज एज वेल, यूरोप एंड बुदापेस्ट पर्टिकुलरली आई हैव डन दिस. तो सबसे ज़्यादा जो मैंने इन्जॉय किया है होस्ट करना इन माई होस्टिंग करियर इज दीज काइंड ऑफ इवेंट्स, बिकॉज द रीज़न इज कि जब आप इंडियन कम्युनिटी से मिलते हो इंडिया के बाहर जा कर के, दे आर सो वॉर्म एंड अफेक्शनेट, आई कैन नॉट टेल यू, इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा आपको आर्ट कल्चर और परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है जो कि किसी और प्रोग्राम्स में कहीं और देखने को मिलती ही नहीं है. लाइक लास्ट टाइम आई डिड म्यांमार टूरिज्म विच वॉज अमेजिंग, इंडियन पीपल ओवर देयर आर जस्ट सो ब्यूटिफुल, मैं आपको बता नहीं सकती उनकी कितनी वॉर्म्थ होती है. और सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है वो होता है इनके घर का खाना, दे विल इन्वाइट यू टू देयर प्लेसेज, दे विल कीप यू लाइक सो नाइसली दैट यू विल रिमेंबर द एक्सपीरियंस. सो फॉर ऑल दीज लवली रीजन्स आई चोज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई फील रियली रियली हैप्पी अबाउट दैट. इंडो फेस्ट विच इज़ हैपनिंग TLV 2019, आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज एक्चुअली उन्होंने सारी बातें बोल दी है, मैं इन वे सारा रिपीट ही करने वाली हूँ, बट ये पहली बार हो रहा है और आई हैव नेवर सीन इज़राइल, आई हैव हर्ड सो मच अबाउट इट, ऑनेस्टली दैट वॉज मोर एक्साइटिंग फॉर मी कि मुझे वहाँ जाने मिलेगा और आई विल गेट टू, बिकॉज विदाउट वर्क यू नो समटाइम्स आई वुडंट चूज अ कंट्री लाइक दैट
probably for tourism. Absolutely. But this idea, the thought that's changing in my head, and I'm gonna go over there, have fun, I'm gonna experience the people, what she's saying, I'm gonna try to like contact and, you know, like be in touch, also make friends, something like that. So I'm excited, I'm performing, and I'm looking forward for the event. जब आप वहाँ जाते हो और आप वहाँ से एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आते हो अपने साथ, तो आप वो आकर सबके साथ शेयर करते हो. जब आप वो करते हो, इट्स कॉल्ड द वर्ड ऑफ माउथ. वर्ड ऑफ माउथ, एंड दैट इज व्हाट स्प्रेड्स, एंड दैट इज व्हाट स्प्रेड्स द होल टूरिज्म. एब्सोल्युटली. आप दोनों से जानना चाहूंगा, कितना प्राउड फील कर रहे हैं इंडिया को इजराइल में जाके रिप्रेजेंट करना है, और आप दोनों ही आई थिंक फेस है, तो कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप? I would rather say I'm humbled beyond words to explain that how grateful I am for this opportunity, because, you know, films, like she said, films and things, it's very exciting to work day and night. We are working here in Bombay most of the times, or else we are traveling just around the corner, and we are only working. So this is a good break, as in terms of meeting people, getting new experiences, new food and places around. And similarly, give them the experience, because the smiles, the happiness that we see when we meet people and the excitement on their faces is what we live for. So I think there is nothing there not to be grateful about. I'm very, very humbled to be a part of this. See, firstly, I need to thank Moses sir. Yeah. I need to thank Chinmay sir, and I need to thank Chaitanya sir, and I need to thank Venkat sir. It's the whole concept of organizing this. Yeah. I'm very happy to be a part of this, and they approaching me to be a part of this. So I'm hoping I'm going to make some really good memories out there. आप दोनों से जानना चाहूंगा कि कब ये आइडिया आया कि इंडो इंडो इजराइल फेस्टिवल हम लोग को करना चाहिए, कैसे, मतलब थोड़ा सा बताइए उस बारे में कि कैसे आइडिया आया आप लोगों को. या गुड, एक्चुअली बेसिकली वी आर फ्रॉम रिसर्च मीडिया ग्रुप. चैतन्य इज द चेयरमैन ऑफ द ग्रुप एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप. एक्चुअली यूनिवर्सल इवेंट्स, मोजिस जी अप्रोच्ड अस 3 months बैक विद द कॉन्सेप्ट ऑफ doing a big festival like Indian festival in Israel, the capital of the Israel. So already they have more than 10 years experience, as well as we are like one of the pioneers in South in the field of events, as well as corporate branding and other things and all. And we have very good contacts with Southern film stars, as well as here with Bollywood and other part of the India. So they approached us to make a big event by not only by inviting the stars. He very clearly asked us to involve in all the angles, 360 degrees, like including on this part we are also inviting ministers, central government ministers from Government of India, as well as a few ministers from Israel also gracing the event. So when that happens, naturally we can share our ideas, our thoughts, as well as the tourism development in both the countries, between both the countries, okay, as well as in particular we are giving the entertainment to the people who are residing in Israel, Indian community who are residing in Israel. Definitely by seeing all these big stars and our politicians, okay, and the way of the musical show and other things, what all we are giving, yeah, with those all definitely they will feel thrilled. So giving entertainment to our community in Israel is definitely will give us something, a great feeling. Yeah. Thank you. So who, as I ask, or Bollywood se kaun kaun judne wala hai? Yeah, we are approaching many. We'll know most probably in the coming 10 to 15 days, as we are scheduled this event in the month of October. We have 3 months time with us. Most probably by the end of August, we'll finalize all the stars, not only from Bollywood, also from Tollywood and other places, as well as big singers also are going to take part in this event. Right. What is the charges who wants to visit in this festival, the Israeli people? You see, mostly that all better let our chairman from Universal Events. He will. Yes, sir. Talk about it. Actually, जो ये इस event के मुख्य कारण है, ये अपना India का art and culture increase करने के लिए, और हमारा India का लोग वहाँ पे रहते हैं,
वो सबको एंटरटेनमेंट देने के लिए. एंड इज़राइल एंड भारत दोनों देशों का कल्चरल संबंध बढ़ाने के लिए मैंने जो प्लान कर रहा हूँ कि 3 साल से प्लान कर रहा हूँ. इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है वो इज़राइल में दिखाएंगे. हमारा लोग बहुत कुछ वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, कोई टाइम एंटरटेनमेंट वहाँ पे नहीं है. बहुत बार मैं इज़राइल जाके आया हूँ, टूरिज़म कर रहा हूँ. बिजी लोग वहाँ पे रहते हैं. जो टाइम है अक्टूबर 15, 16, 17 हर साल वहाँ के लोग जुविश लोग जो त्यौहार बनाते हैं वहाँ पे, साल में एक ही बार त्यौहार बनाते हैं. उसी टाइम पे सारे लोगों को वर्ल्ड में जितने भी वहाँ पे जीते हैं वो सबको वहाँ पे छुट्टी मिलते हैं. उस टाइम को प्लान करके 3 साल से प्लान किए तो 20 साल को इंडिया को परमिशन दिया इज़राइल गवर्नमेंट. उस कारण से अभी ये प्रोग्राम बना रहा है. वो दिस सर कितना चार्जेस होगा जो वहाँ पे विजिट करेंगे, जो भी वहाँ के इजरायली होंगे या फिर जो हमारे इंडियन होंगे उनको क्या चार्जेस होंगे यहाँ पे विजिट करने दिस प्रोग्राम फेस्टिवल के विजिट फेस्टिवल का जो चार्जेस होंगे मैक्सिमम 6 करोड़. तो इवेंट नॉट द एक्सपेंसिव ओवरऑल बजट जो पीपल हु वांट्स टू विजिट प्राइस टिकट प्राइस अगर किसी ऑडियंस ने इजरायल लगभग इंडियन मनी समथिंग 10 करोड़. गुड क्वेश्चन. लेट मी एक्सप्लेन यू. बेसिकली यूनिवर्सल इवेंट्स दैट ऑर्गेनाइजेशन is a global tour operators, okay, and he has wide experience with Israel, like either with the work permit or on tourism base, whatever it is, like thousands of people have gone from his concern, his firm, okay, and he used to like visit almost like every month once to Israel. There the people ask the first question is, sir, do something entertainment kind of thing, we are lacking the whole entertainment here, nobody is coming. No, see, usually in either US or UK or Singapore, Malaysia and all, we used to do the regular number of functions. Okay. There's a few countries, even Israel is one of that country, nothing happening from our India. So when that question arises from the public, he thought, chalo, either we are earning something or losing, whatever it is. As a responsible Indian citizen, let me start something. So he initiated and he approached RMG chairman, चैतन्य जी एंड देन स्टार्टेड वर्कआउट. अवधेश, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं, कितनी बड़ी जवाबदारी है? और कहते हैं कि गंदी बात आपका जो है वो आपसे चिपका हुआ है, तो इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए क्या तैयारी कर रही हैं, क्या गंदी बात से बाहर निकल आएंगे क्या? गंदी बात से मैं तभी बाहर निकल आई थी जिस दिन मेरी शूट खत्म हो गई थी. And uske baad bhi I have done couple of movies and other web series. I am hosting one motorsport show and I've been doing formula 1 races show. To jaisa ki maine aap se kaha ki meri acting ke sath sath jitna pyar mujhe acting se hai utna hi pyar mera singing se bhi hai aur utna hi pyar mera hosting se bhi hai. To main yahan as a team member to ja hi rahi hu. As an actress theek hai, that tag is there, I'm proud of it. Apart from that, I am going to be the host of this these 3 days. To main wahan se main ek सूत्रधार हूँ इज़राइल और इंडिया के बीच का सारी कम्युनिटी की. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग. और उसमें गंदी बात का अगर कोई कैरेक्टर कोई रोल है तो वो ये है कि चलिए ठीक है, उसे पहचान मिली, मोस्ट गूगल्ड बनी और यहाँ तक पहुँची. सो आई थिंक इट्स इवनली लिंक्ड. हर चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है. एंड गंदी बात हैज़ बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. नहीं, डेफिनेटली अगर होता तो आप मुझे गंदी बात 3 में भी देखते हो, 4 में भी देखेंगे और 5 में भी देखेंगे अगर ऐसा होता तो. बट क्या कहना चाहेंगे गंदी बात में आपके बारे में?
I don't really know. Actually, I have not even seen the trailer, to be honest with you. As I'm saying that, you know, मैं अपने काम में इतना ज़्यादा occupied रहती हूँ कि it's not that I'm not in touch with what's happening around. जो चीज़ें मुझे ज़रूरी लगती हैं उनके ऊपर मैं ध्यान देती हूँ. Otherwise, good luck for her, whomsoever she is. I don't really know. कितना बड़ा exposure मिला आपको बंदी बात की? मैं इंडिया की सबसे ज़्यादा Google की जाने वाली लड़की बन गई. 20 million desktop searches, 10 million mobile phone searches आप लोगों ने किया और इससे ज़्यादा मैं क्या मांग सकती हूँ, आप बताएं. सबसे ज़्यादा sex सोच पूछो. अदिति आप भी रिप्रेजेंट करने जा रही हैं, कितनी बड़ी जवाबदारी है हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं, क्या कुछ विशेष तैयारी कर रही हैं इसके लिए आप? See, I have heard कि इसराइल की अगर 1 lakh इंडियन पॉपुलेशन होगी तो अराउंड 40% पीपल आर साउथ इंडियंस एंड आई एम एसोसिएटेड विद द साउथ इंडियन इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड रिप्रेजेंटिंग बोथ ऑफ देम सिंस आई एम एसोसिएटेड टू बॉलीवुड ऑल्सो नाउ. सो इट्स लाइक ये है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आई अग्री, बट उससे ज़्यादा ये एक्साइटिंग है. एग्जैक्टली, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये इट्स गोना बी मोर फन फॉर मी बिकॉज आई एम गोना मीट दैट क्राउड जिन्होंने मेरी मूवीज़ देखी हैं और जिनसे मैं बात कर पाऊँगी और उनके साथ मीट एंड ग्रीट होगा वगैरह वगैरह. आई एल परफॉर्म फॉर देम, आई एल एंटरटेन देम. आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट दैट रादर देन टेकिंग इट लाइक अ जिम्मेदारी. आई एम टेकिंग इट मोर लाइक फन एंड एक्साइटिंग. चेयरमैन सर, आप कितने एक्साइटेड हैं इन दोनों को आपने लिया है इसमें इंडो इजराइल फेयर में, तो कितना आपको इनसे फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, और आप कितना एक्सेप्ट करते हैं आने से, कितनी खुशी हो रही है, क्या खुशी हो रही है? मैं जी उन लोग के लिए कोई फाइनेंशियल का तो देखता नहीं हूँ. अपना देश का नाम आना चाहिए, हमारा अपना भारत का लोग टैलेंटेड है, एंटरटेनमेंट में अच्छा करता है, ये सब कुछ उन लोग देश में अपन परमानेंटली एक ब्रांड कल्चरल इंडिया नाम आने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ. ओके, क्या चाहता हूँ, क्या क्या कुछ और ये होगा कि भांगड़ा भी होगा, ये पोली डांस भी होगा, इस तरीके का फेस्टिवल है, क्या है? एक्चुअली ये कल्चरल जस्ट एंटरटेनमेंट एवरीथिंग. एक्चुअली वो जिविश लोग है वो सारे अपने ऐसा लेता नहीं, लिमिट लिमिटेंस है. इज़राइल इज़ वन ऑफ़ द स्ट्रिक्ट कंट्री एंड सम नॉर्मली कल्चर. ओके, तो खाना पीना से खाना पीना तो जरूरी बहुत जरूरी अबाउट दैट. एंड संजू के बाद आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन हियर व्हिच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट एंड Yeah, so I'm excited about the new projects that are coming. मैं सारे बता नहीं सकती, बट इतना बोल सकती हूँ कि फिलहाल I've signed the Netflix series. I'm doing that. आने वाला है जिसमें जो अश्लीलता दिखाई जाती है वेब सीरीज पे वो बंद हो जाएगी, उसके बारे में क्या कहना आपका, क्योंकि उस पर कोई सेंसर नहीं है अभी. एग्जैक्टली, उस पर कोई सेंसर नहीं है और अगर उसकी ऑडियंस है तो मुझे आई मीन आई डोंट नो हाउ टू कॉमेंट एंड हाउ टू पुट इट एंड फ्रेम इट राइट ऑल्सो, बट आई नो दैट देर इज़ अ पॉजिटिव साइड टू वेब सीरीज. एक बहुत अच्छा कॉन्टेंट भी बन रहा है और हमें वो इनकरेज करना चाहिए जितना हो सके. लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ें फिल्मों में आती हैं तो बैन कर दी जाती है, सेंसर कैसी चलती है, लेकिन वेब सीरीज सब चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? Well, it's the liberty of, what do you say, the cinema liberty that you get. I can't really comment on that. ये तो आपको सेंसर और उनसे बात करनी चाहिए जो इस पे बैठे हुए हैं और जो इसके decisions ले रहे हैं. आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से हर चीज़ में एक filtration होना ज़रूरी है and I'm very happy about the fact that कहीं तो कोई limitations हैं because to be honest, मैंने खुद गंदी बात किया but I am not somebody who is in a favor of going it all out, you know. I understand the fact of demand and supply. जो देखना चाहती है जनता हम वही दिखा रहे हैं और इंडिया में सबसे अमेजिंग बात यह है कि एक चीज़ जो हिट एंड ट्रायल में चल जाती है, चलो अभी गंदी बात चल रहा है, विल मेक समथिंग लाइक दैट, यू विल नॉट बिलीव इट. जितनी भी ऑफिस में विजिट करती हूँ यहाँ पे फॉर मीटिंग्स एंड फॉर ऑडिशंस, वहाँ पे बोर्ड पर लिखा होता है गंदी बातों की जगह घुमाया हुआ फिराया हुआ नाम होता है ठरकी बातें या समथिंग एल्स और समथिंग एल्स. सो द आइडिया इज टू शो अ नाइस कर्वी वुमन एंड Let's make a story around it. So people are going through. हमें ये दिखाना है इसके अराउंड सर स्टोरी बना के दे दो. सो देर मैनी प्लेटफॉर्म्स दे आर नॉट इवन विलिंग टू ट्राई समथिंग एल्स विच आई फील रियली सैड अबाउट, बट इवेंचुअली हम वही कर सकते हैं जो कि जनता देखना चाहती है. इवेंचुअली सबको पैसे कमाने हैं, सबको नेम चाहिए, फेम चाहिए एंड वी ऑल वॉन्ट ईजी ट्रीट्स. सो दिस इज हाउ इट इज़ एंड विच इज़ वाई आई ऑल्सो डिसाइडेड टू डू गंदी बात, बिकॉज जो चल रहा है वो आपको करना ही पड़ता है इवेंचुअली, राइट? अदरवाइज यू विल नॉट हैव ऑप्शन. सो या आई थिंक आई डोंट हैव एनी ग्रज
ग्रजेस अगेंस्ट इट, बट आई रियली होप कि कुछ एक लिमिटेशन जैसे कि सेंसर बोर्ड फिल्म्स में आती है वैसे वेब सीरीज में भी होनी चाहिए, कहीं तो होनी चाहिए.